हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स यूनिवर्स। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 2 2.8 डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब जब भी हम लोग SI यूनिट सिस्टम की बात करते हैं तो SI यूनिट सिस्टम में 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, क्लियर। उन सब के 7 यूनिट्स आर देयर, क्लियर। तो उन सभी यूनिट्स के खुद के अपने डायमेंशन है। तो दिस ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव इट्स ओन डायमेंशन। अब जब कभी भी डायमेंशन के हम लोग बात करेंगे तो सारे डायमेंशन को हम लोग ये जो सिंबल है उस सिंबल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको जानेंगे। सपोज की लेंथ है तो उसको कैपिटल L और ब्रैकेट में लिखेंगे, क्लियर। सपोज के मास है तो मास को हम लोग कैपिटल M, उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। टाइम को कैपिटल T ब्रैकेट, करंट इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A इन दी ब्रैकेट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैपिटल K इन दी ब्रैकेट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD इन दी ब्रैकेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल इन दी ब्रैकेट। तो ऐसे हम लोग डायमेंशंस को डिनोट करेंगे। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि ब्रैकेट मींस दैट डायमेंशंस ऑफ, क्लियर। अगर एक एग्जांपल अगर ले तो वी नो दैट द एरिया फार्मूला। व्हाट इज एरिया फार्मूला? तो लेंथ इनटू बी ब्रेथ या फिर थिकनेस, क्लियर। तो ब्रेथ का जो यूनिट है वो कौन से यूनिट में हम लोग लिखेंगे, सेंटीमीटर या फिर मीटर? तो वो भी वन टाइप ऑफ लेंथ ही हुआ, क्लियर। तो इसका जो अगर डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे तो E इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ लिखनी पड़ेगी, क्लियर। तो अगर लेंथ का डायमेंशन है तो उसको डायमेंशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ब्रैकेट में कैपिटल A इनटू ब्रैकेट में कैपिटल L, क्लियर। तो दो बार कैपिटल L तो कैपिटल L स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में तो लेंथ ब्रेथ विड्थ तीनों आएगा, तो तीनों एक टाइप का लेंथ ही है क्योंकि उसकी जो यूनिट है वो भी सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो एक टाइप की लेंथ है लेंथ 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 क्यूब, तो आंसर विल बी लेंथ क्यूब। तो जो वॉल्यूम है उसमें कभी भी मास नहीं आता, टाइम नहीं आता या फिर दूसरी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है वो सारी की सारी नहीं आएगी। तो उन सब के जो डायमेंशन है उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो वो सारे ज़ीरोज़ हैं। इस फॉर एग्जांपल वॉल्यूम की बात करेंगे तो मास रेस टू ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें मास है ही नहीं, टाइम रेस टू भी ज़ीरो हो जाएगा, क्लियर। अब हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का अगर हम लोग मास लिख रहे हैं तो मास किसकी फिज़िकल क्वांटिटी का अगर हम लोग डायमेंशन लिख रहे हैं तो डायमेंशन में हम लोग बेस डायमेंशन अगर लिखेंगे तो वो MLT के फॉर्म में ही लिखते हैं, क्लियर। सारे डायमेंशन 7 डायमेंशन हमें बहुत बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल है फोर्स वाला, तो फोर्स की फॉर्मूला वी नो दैट मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? तो वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम तो वैसे ही पहले से है तो टाइम इनटू टाइम हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन फॉर्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन की फॉर्मूला एक हिसाब से डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ, क्लियर, L अपॉन टी स्क्वेयर। तो फोर्स की फॉर्मूला पूरी ये बन जाएगी मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वेयर। उसको अगर डायमेंशन के हिसाब से कन्वर्ट करना है तो मास दैट्स वाई कैपिटल M इन दी ब्रैकेट, लेंथ दैट्स वाई कैपिटल L इन दी ब्रैकेट अपॉन टी रेस टू 2। अब ये अपॉन में है तो अगर ऊपर जाके लिखेंगे तो टी माइनस 2 लिखेंगे, सो आवर आंसर विल बी MLT रेस टू माइनस 2। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, ओके। अब हम लोग कई बार एक ही वेलोसिटी के अलग अलग रूप होते हैं उसकी बात करते हैं। सपोज के चेंज इन वेलोसिटी, तो वो भी एक टाइप ऑफ वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड,
ये सारे एक ही फॉर्मूला के, एक ही डायमेंशन के बने हुए हैं, क्योंकि सारी फॉर्मूला में आइदर डिस्प्लेसमेंट आएगा या फिर डिस्टेंस आएगा अपॉन टाइम आएगा, तो ये फॉर्मूलाज फिक्स रहती है। तो उसके डायमेंशन भी सेम हो गए, या फिर एवरेज वेलोसिटी होगी या फिर फाइनल वेलोसिटी, इन सभी में वेलोसिटी कॉमन चीज़ है, या फिर स्पीड, स्पीड की फॉर्मूला सेम है। तो इन सभी में जो डायमेंशन होगा वो अब होगा लेंथ अपॉन टाइम, तो ओवर डायमेंशन विल बिकम LT इनवर्स। क्लियर? थैंक यू फॉर टुडे।